अगर हम दूसरा के नौकर बन सकतनी तो खुद के भी तो अपन नौकरी कर सकतनी, दो चार पाँच आदमी के रोजगार दे सकतनी हम। जरूर प्लांट हम राजकोट गुजरात से लेके आई बनी रहूँ जौन आलापुर मिल के भी टक्कर दी, तो ई व्यवस्था रहूरा इन्हें मिल लोग के लगे जितना भी चौकी मिल बड़ी सन ई व्यवस्था केहू के लगे बाना रहूरा ई मशीन इहे हमारे मोटिवेशन सोच रहे कि राजकोट से प्लांट लेनी एक स्थापना करनी लगनी, यही से हाथ जोड़ के बिनर आग्रह बा सब कस्टमर से दुकानदार भाई लोग से कि एक बार आई हमरा मिल के देखी आ देख के रुरा क्वालिटी पसंद करिए तब रुआ आटा खरीदी हमरा से। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। जब से मेक इन इंडिया के शुरुआत भइल तब से स्वरोजगार के बढ़ावा मिले लागल और स्वरोजगार लोग गाँव गाई में लगावे लागल, लोग अलग अलग रोजगार लगा के जीविकोपार्जन करता अपनो और कुछ लोग के भी। ऐसा ही एगो स्वरोजगार के उद्घाटन आज सिवान जिला के दक्षिणांचल में संठी गांव में हो रहा बा। यहाँ पर माँ शक्ति भोग आटा के जौन बा छोटा सा फ्लावर मिल्क कहली एकर उद्घाटन भइल आज और यहाँ पर माँ शक्ति भोग आटा के आटा पीसल जाइ शुद्धता के साथे ओकरा के पैकिंग करके बेचल जाइ हमरा जैसन पहले से ज्ञात भइल भइल है। एकर आज विधिवत पूजन करके जौन हमनी के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रकांड विद्वान लोग पूजन करके एकर शुरुआत कैले सर आज से मिल जौन बा चले वाला बा। थोड़ा सा मिल के अंदर से घुमा के दिखा दो, यहाँ पर देख लें कि अत्याधुनिक मशीन जौन बाड़ी सर लागल बड़ी सौ और ये मशीन जौन बा इमें पहले गेहूँ साफ हुई ओकरा बाद ओकर जौन प्रक्रिया भाई हम जाने के कोशिश करें चूँकि एक जो प्रोप्राइटर बनी नीतीश कुमार सिंह जी वहाँ के अभी बानी यहाँ पर तो वहाँ से हमने के जाने की कोशिश कर लीजिए कि आखिर का कवना कवना प्रक्रिया के तहत जौन बा आटा तैयार हुई और आटा पैक करके के तरीका से बिक्री हुई आम जनमानस तक कैसे पहुँची ये सब कुछ हम जाने की कोशिश करते नहीं चूँकि हमनी के क्षेत्र में पहले से भी दो चार जगह इस तरह के काम हो रहल बा लेकिन ये नया शुरुआत बटे और नया इनिशिएटिव के हमनी के हम कभी भी प्रमोट करें जा कभी भी सपोर्ट करें जा तकरा के जानल बहुत जरूरी बा और बतावल बहुत जरूरी बा। नितेश भाई हमनी के साथे बानी तनी आ जाई एकर उद्घाटन जन बा माँ शक्ति भोग आटा के उद्घाटन भइल तो कैसे एकर उद्घाटन भइल का सोच के रुआ कहनी जी। पहले तो मैच बॉक्स टीम के हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा राउर कि रउरा एगो अपना छोट भाई के प्यार दुलार बढ़ावे ऐनी एकरा के रउरा प्रचार प्रसार खातिर रउरा अपना भाई समझ के ऐनी। देखिए एकर हमार मोटिवेशन रहे कि गांव में बाहर अगर नौकरी कर जाता तो बाहर में का मिलता, अगर हम दूसरा के नौकर बन सकतनी तो खुद के भी तो अपन नौकरी कर सकतनी, दो चार पाँच आदमी के रोजगार दे सकतनी हम। जरूर तो ये सोच के हम ही प्लांट के रउरा अपन स्थापना कैनी और जौना के आज उद्घाटन कैनी हम और माँ शक्ति भोग आटा के नाम से जौन संठी जिला के दक्षिणांचल में संठी ग्राम में ये बनल बा जेमे रोवा शुद्ध क्वालिटी के आटा 100% शुद्ध क्वालिटी के आटा ये प्लांट हम राजकोट गुजरात से लेके आइल बनी रोवा। अच्छा। जौन आलापुर मिल के भी टक्कर दी एकर आटा के क्वालिटी रोवा देखी आ ये खाली सब हमारा देखे वाला रोवा व्यूवर से भी आग्रह बा हाथ जोड़ के आग्रह बा विनम्र निवेदन बा कि आई लो एक बार आटा के क्वालिटी देखी सबे आ तबे हमरा से माल ली सबे। तो ये कैसे काम करी थोड़ा सा हमरा के बताई कि मशीन जोन बड़ी सो आई रोबरा कर ई मशीन जोन बा जैसे मशीन लागल बा तो प्रोसेस रोबरा हां एजा से चालू बा एजा से गेहूं डलाई। अच्छा हे में गेहूं डला जी हां एमे गेहूं डलाई एजा से सेपरेटर उठाई। अच्छा इसको क्यों कर लीजिए जी ई सेपरेटर उठा के फिर एजा क्लीन करी पहले गेहूं के साफ करी पहले साफ करी। अच्छा साफ करो समय आधा एमे से भूसा आ प्लस एथी एने निकाल दी भूसा लेंडुरी जोन जोन होई हाँ। फिर ओकर दूसरा भाग में साफ करे के ओरा हई बा जोन हमनी के ई निकाल दी। अच्छा फिर एकर प्रोसेस बा कि एगो जाली हेमे लागल बा पहला जाली हाँ। फिर दूसरा जाली में ओरा प्रोसेस बा कि एजा से फिर ई क्लीन करके आगे बढ़ाई फिर तीसरा जाली फिर चौथा जाली फिर ई हमनी के चौथा में एजा गेहूं देता जवना के लेरुड़ी माटी कंकड़ पत्थर एजा हमनी के निकल जाई। अच्छा फिर गेहूं के क्लीन करके रोरा नेक्स्ट
ओकरा पीछे वाला मशीन में देता। अच्छा, बैक वाला में जी बैक टू में चल जाता जौना के आ जाना। जौना के रौरा एजा से फिर वो गेहूँ एजा दे देता ये मशीन में, दूसरा मशीन में जी। ये मशीन क्या करता है कि गेहूँ के हमने के छील लेता, छीलने के बाद ही फिर सेपरेटर के देता, फिर सेपरेटर उठा के हमने के रौरा सामने देखा था टैंक लागल बा। अच्छा, ये फिर ऊपर जाई और ऊपर जाके टैंक फिर टैंक में जाई। अच्छा, ये फिर टैंक में आवता, फिर टैंक में गेहूँ के 6 घंटा खातिर मैक्सिमम 2.5 घंटा खातिर रौरा एक गेहूँ छीलने के बाद इसमें ड्राई हुई। अच्छा, पानी के ऊपर पानी के व्यवस्था बा, टैंक लागल बा ऊपर शेड पर, पानी के व्यवस्था बा, जो गेहूँ को मॉइस्चराइजर करे सुखावे खातिर ड्राई करी, वो फिर ऊपर रौरा पंखी बा। अच्छा, के सुखाई, सुखले के बाद एकर काम बा कि फिर ही एलिवेटर के ई एलिवेटर उठा के रौरा दोनों टैंक से कनेक्ट बा। अच्छा, ई एलिवेटर उठाई फिर गेहूँ के रौरा चक्की में दे दी। अच्छा, मतलब ई ऊपर से लिया के और फिर है दूगो चक्की जी लगा, दूगो चक्की बा, दोनों चक्की में दे दी। ये चक्की रौरा पीस के आटा फिर हमारा के हमारे सेपरेटर में दे देता। अच्छा, भाई अभी कवर नहीं खेला जी ना, एकरा का अभी ट्रायल बेस पे हमने ओपन कर ले बन जा। अच्छा, अभी कवर नहीं खेला लगल, एकरा का रुआ पीस के आटा फिर उठा के एलिवेटर से ही उठा के। अच्छा, ये ऑटोमेटिक जैसे है ना, जी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, मतलब कि है दोनों से पीस के हम अंदर जाए जी, और फिर उठा के लेके चल जाए, फिर उठा के लेके चल जाए सेपरेटर में। अच्छा, इस सेपरेटर में क्या कर व्यवस्था बर, सेपरेटर में कि इन्हें जितना भी मिल रुआ देख लो के वो मिल में सेपरेटर की व्यवस्था ना हुई। अच्छा, आटा के जब हमने के पीसे नहीं जाता आटा में गर्माहट रहेला, गर्माहट रहेला, गर्माहट से आटा का होखेला कि खराब भी हो जाए, ओमे कीड़ा भी हो जाए, भोरा भी जाए, चाहे ज्यादा दिन तक रह गई आटा तो खराब पड़ जाए। रुबक आटा खा नहीं सकते यूज में नहीं, गाय गाय चाहे माल गोरु खाई एमे रुरा एक दे ठंडा करे खातिर। अच्छा, प्लस आटा के जितना से रुआ जितना बारीक में बना सकतनी उतना में आटा के बारीक कली हेजा से आटा निकल जो हमने के, हमने के वजह से एक साइड से रुआ आटा के जो मोटा दाना चाहे चोकर ओकर बोल जाला गेहूँ के जो वो निकल जाए, प्लस ई रुरा ठंडा करके हमने के आटा जैसे फाइनल आटा है जैसे हमने के पैकिंग हो जाए। अच्छा, मैंने पैक भी यही में हो जी, यही जैसे पैक हो जाए। तो ई व्यवस्था रौरा इन्हें मिल लोग के लगे जितना भी चौकी मिल बड़ी सन ई व्यवस्था केहू के लगे बाना रौरा ई मशीन ये हमारे मोटिवेशन सोच रहे कि राजकोट से प्लांट लेनी एक रुआ स्थापना करनी लगनी, यही से हाथ जोड़ के बिनर आग्रह बा सब कस्टमर से दुकानदार भाई लो से कि एक बार आई हमरा मिल के देखी आ देख के रौरा क्वालिटी पसंद करिए तब रुआ आटा खरीदी हमरा से। तो अभी जैसे मिल के शुरुआत हो जाता तो होलसेल खातिर लोग कहाँ संपर्क करी, संठी में या कहीं कोनो मार्केट में? जी ना ना, एकरा के हम रौरा अपन मोबाइल नंबर प्लस अपन व्यवस्था रौरा डिजिटल मीडिया के द्वारा भी व्यवस्था करता नहीं हम कि एकरा के माल खातिर वहाँ लोग के आवे के जरूरत नहीं है। एक बार हमने के फोन करें वहाँ सबे संपर्क स्थापित जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, एक बार वहाँ के संपर्क स्थापित करें हमारे से तो वहाँ के यहाँ माल डिलीवर हो जाए, वहाँ के आवे के जरूरत नहीं है। प्लस पेमेंट के भी व्यवस्था हम कर दिले मानी कि ऑनलाइन वहाँ के पेमेंट भी हमारा कर सकता नहीं, गूगल पे फोन SBI होना हर चीज की व्यवस्था वहाँ के मिली, कोनो हमारा तरफ से कस्टमर के दुख ना पहुँचे वो व्यवस्था हम जितना प्रकार के व्यवस्था हम दे सको तनी। रेट उट को लिखा रेट देखिए मार्केट में जोन भी जेन्युइन रेट बा तोन रेट पहले मार्केट रेट का बा सब लोग चलाओ तब तरह तरह के रुआ मिलल बड़ी सब देखते बनी आ सबसे बड़ा तो वो मिल बा आलापुर वाला तो ओकरा के तो हम टक्कर नहीं दे सकते से कि हम छोटा उद्योग लगेले बनी वहाँ के बड़ा उद्योग में बनी तो एकरा के टक्कर देवे खातिर तो उतना भी हमारा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला के भगवान चाहिए तो एक दिन टक्कर दी आई। लेकिन यह हमारे का नाम है कि जोन भी रेट अगर मार्केट में चलता वो रेट से हम चार आना सस्ता ही देम, आठ आना सस्ता ही देम आ उच्चतम क्वालिटी के हाथ जोड़ के यो आग्रह करते नहीं बार बार अपने भाई लोग से कि उच्चतम क्वालिटी के आई एक बार देखी आटा के पहले पसंद करी आई प्लांट कहीं मिली ना आ उच्चतम क्वालिटी के आटा कोशिश करम कि रोलों सबके हम दे सकी। चलिए तो देखिए मिल के आज उद्घाटन भैया माँ शक्ति भोग आटा के नाम से जौन भाई फ्लावर मिल बटे और जब प्रोडक्ट मिली जौन आटा बन के तैयार हुई वो माँ शक्ति भोग आटा के नाम से जानल जाई तो रुआ आसपास में मार्केट में माँ शक्ति भोग आटा बेचाई तो रुआ ओकरा के परचेज करी ओकरा के उपयोग करी और उपयोग करेम तो रुआ ओकरा बारे में पता चली तो एकरा के एक बार उपयोग जरूर करी। यहाँ के ऑपरेटर बनी और ऑपरेटर से जान लेता नहीं। अच्छा, कैसे कैसे काम करेगा, कितना मतलब दिन भर में प्रोडक्शन हो जाएगा? जी सर, यहाँ से माल चढ़ेगा फर्स्ट एलिमीटर से, सेकंड मशीन माटी को फोड़ेगा, फिर जो भी कचरा होगा उसको, हाँ, साफ, उसको साफ करेगा। ये मशीन बिल्कुल माटी डंखल सब निकाल के लास्ट में जो डंखल बचेगा वो इस मशीन में निकल जाएगा, इस पे आगे फिर कंकर बचेगा वो अगली मशीन में निकल जाएगा, फिर वहाँ से माल उठ के उस एलिमीटर से धुलाई होगा
माल। अच्छा उसमें जाएगा, उसमें धुलाई होगा। हाँ, उसमें धुलाई होगा, सुखाएगा, फिर वो सूखेगा 7 घंटे तक। फिर 7 घंटे बाद चक्किया चालू होगी, फिर उसे लिमिटर से माल चक्कियों में आएगा, चक्कियों से आटा पिस के ब्लोअर में जाएगा, ब्लोअर खींच के सेंट्रीफ्यूगल में डालेगा चाड़ने में, वो छण के चोकर अलग आ जाएगा और आटा अलग आ जाएगा और एकदम प्योर होगा, वो प्योर होगा, शुद्ध होगा। तो देख ली ये तरीका से काम करी, रउआ भी आसपास के हई, जिला में बानी, जिला के बगल के बानी, तो माँ शक्ति भोग आटा के उपयोग जरूर करी, काहे कि मार्केट में बस ये आटा पहुँचे वाला बा और रउआ घर तक पहुँचे वाला बा।